अजाक्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष अंबेडकर चौराहा पहुँच करके उनका जन्मदिन मनाया और उनके सुखद समृद्ध जीवन की कामना भी की। किया जा रहा है यहाँ पर आज हमारे मध्य प्रदेश के अजाक्स के गौरव परम सम्मानीय टीएन कांसोटिया साहब प्रांतीय अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन का जन्म दिवस है जो हम लोग स्वर्ण दिवस के रूप में मना रहे हैं और प्रांतीय निर्देश अनुसार सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है एक ही समय। तो हम दमोह जिले में भी परम सम्मानीय जे एन कांसोटिया साहब हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का जन्मदिवस मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ और हमारी समस्त तहसीलों में भी हमारे तहसील अध्यक्ष कांसोटिया साहब के जन्मदिवस को मना रहे हैं क्योंकि हमारे कांसोटिया जी का जो संघर्ष है वह रोजी रोटी आंदोलन से लेकर मध्य प्रदेश के शिखर तक हमारे संघ और अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते हैं और लगातार आवाज़ के साथ हमारे लोगों को न्याय और अधिकार भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम सभी उनको एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान देते हैं और उनकी जयंती और जन्म को हम लोग यहाँ पर जन्मदिवस को हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है आज? माननीय जे एन कांसोटिया साहब जो हमारे प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ हैं, माननीय कांसोटिया जी हमारे यहाँ वर्ष 2003-04 से लेकर के कार्यवाहक के अध्यक्ष के रूप में रहे और फिर 2008 के बाद लगातार वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। उनके द्वारा अनुजाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने काम किया है और समाजों के बीच में जो हमारा भेदभाव होता है, जो हमारा लोगों में अत्याचार होता है, उस अत्याचार का निराकरण कराते हैं, अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराते हैं। हम ऐसे कर्मठ और हमारे निर्भीक ऐसे अधिकारी के लिए हम लोग उनके जन्म जयंती के उत्सव पर उन्हें बधाई देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप इन वर्गों की लड़ाई के लिए प्रदेश में लड़िए, पूरा प्रदेश आपके साथ है और प्रदेश आपके साथ जन जन तक रहेगा, केवल कर्मचारी नहीं वरन पूरा प्रदेश के अनुजाति जनजाति समाज वर्ग आपके साथ रहेगी। धन्यवाद।